इस मॉड्यूल में वर्टिब्रेट्स के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम कहते पोर्टल सिस्टम ये पोर्टल सिस्टम दरअसल ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का ही हिस्सा है पर यह पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि ब्लड कैरी करता है एक ब्लड बेड से या ब्लड कैपिलरी से और फिर किसी दूसरे ऑर्गन में एंटर होता है वहाँ से फिर ब्लड वापस सर्कुलेशन में जाता है तो ह्यूमन के अंदर

और इसको तो डिस्कस भी करते हैं तो ये जनरली ये तो हमने पहले भी ये डायग्राम देखी है और इसके अंदर जो मकसद है वो सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को शो करना है कि जहाँ से हम देख रहे हैं कि ये ब्लड जो है वो मेन स्ट्रीम से आ रहा है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम फिर वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ ये लिवर में आ रहा है जो कि जिक्र हुआ था कि एक ब्लड कैप्टल से होता हुआ वहाँ पे दीज ब्लड कैपिलरीज़ कैपलीट एंड रीड यूनाइट तो फॉर्म द दिपैटिक पोर्टल वेन और वो फिर लिवर में आता है और लिवर से फिर वापस ब्लड मेन स्ट्रीम में, में यानी कि इन्फीरेवीना केवा में जाता है ये आ, उसी की ही कंटिन्यूटी में कि ये आर्टिल ब्लड है जो स्टमक के अंदर और इंटेस्टिन के अंदर आके वो ब्लड कैपिलरीज बनती हैं जैसे वन टाइप ऑफ ब्लड इज बड बेड ऑफ़ कैपिलरीज और वहाँ से फिर द यूनाइट एंड री यूनाइट और उसके बाद फिर लिवर में आता है लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके अंदर फिर मेटेबलिज्म होती है और वहाँ से फिर कलेक्ट होके ब्लड इट कम्स इन द मेन स्ट्रीम और द इनफीरो तो इस डायग्राम में एक कंपेरिजन है यूजल सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन में इसमें वही चीज़ यूजल में तो यही है यू सर्कुलेशन के ब्लड कैपिलरीज uh, में से दे डिवाइड एंड रीडिवाइड कैपिलरीज डीज कैपिलरीज यहाँ से फिर सेल्स uh, के साथ एक्सचेंज होती है जो भी ब्लड के अंदर फूड uh, है या फिर ऑक्सीजन uh, है वो तमाम सेल्स को पहुँचती है वहाँ से फिर उन सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन और इस नाइट्रोजन स्पेस and then those capillaries they will unite and reunite to form the veins and then into the mainstream or use the comparison hai with the portal system so hepatic portal system these are nutrients from the small intestine and the right half of the colon that is, that is uh, the, the digestive system are absorbed into the blood through the bed of capillaries now this blood then moves to the liver

ये ये हिपैटिक वेन हिपैटिक वेन बनती है तो दिस इज द दिपैटिक पोर्टल वेन है ये मेन जो कि हमें अगर हम डाइसेक्शन करते हैं आ, किसी एनिमल की या ह्यूमन की तो हमें ये बकायदा ये हिपैटिक पोर्टल वेन नज़र आएगी जो कि यहाँ से होते हुए फिर ये लेवर में जाती है तो लेवर से फिर ये इनफीरोना की, तर, की तरफ नेक्स्ट इज द रीनल पोर्टल सिस्टम रीनल जैसा कि जिक्र कर चुके कि दैट इज एसोसिएटेड विद द द विद दीज जो कि आमतौर पे uh, ये ये um, इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हमने देखनी है तो दैट इज़ द दी सर्कुलेशन इन फ्रॉग और इसमें ये देखें कि यहाँ पे दीज आर द वेन्स ये uh, यहाँ से ब्लड कलेक्ट होके एक uh, तो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है ना लिवर में लेकिन पार्ट ऑफ ब्लड फिमोरल से या फिर ये एशियाटिक वेन से होता हुआ दैट मूव्स इन टू द किडनीज किडनीज के अंदर फिर ये कैपलीज uh, बनती हैं फिर यहाँ से कैपिलरीज दे यूनाइट एंड री यूनाइट टू फॉर्म दिस मेन वेना केवा तो सो एक दिस इज द बेड ऑफ कैपिलरीज यहाँ से होता हुआ फिर इट विल मूव इन टू दिन स्ट्रीम और ये ये लिवर के अंदर भी जा रहा है तो यहाँ पे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी देख रहे हैं और और रीनल पोर्टल सिस्टम भी देखा जा रहा है बजाय इसके कि ये डायरेक्टली हार्ट में या मेन वट विना केवा में पोस्टिव बिना केवा में जाए तो ये पहले एक किडनी एक किडनी के अंदर या एक ऑर्गन के अंदर वो पहुँचता है वहाँ पर ब्लड फिर कलेक्ट होता है और वो फिर The renal uh, renal vein uh, mainstream So this is, uh, this, is uh, the, this is the system which is uh, the renal portal renal portal system. Next is uh, the hypophysial system. ये hypophysis means uh, the pituitary gland. So a portal system between the hypothalamus and the anterior pituitary gland. वहाँ पे भी यही प्रोसेस यही चीज़ होती है कि ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये बनती हैं फिर यूनाइट uh, करती हैं और वो ब्लड जो है इट मूव्स अगेन बैक इन टू मेन स्ट्रीम और इसे हम डायग्रामेटिकली ये देख सकते हैं कि जिसके अंदर दिस इज़ द पार्ट विच इज़ द हाइपोथामस और uh, यहाँ से ये आर्टरी दिच इज इनफ्लो है और वहाँ पे ये बेल कैपिलरी बेड बन रहा है और वहाँ से फिर तो दिस इज द पोर्टल वेन और जिसे हम हाइपोफेजियल पोर्टल वेन कहेंगे ये फिर इंटीरियर पिटेटिक लोब के अंदर इट इज़ डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग और ये कैपिलरी बेड बन जाता है और वहाँ से फिर ये वेन बन जाती है एंड दिस इज द आउट फ्लो ब्लड ये फिर मेन स्ट्रीम में चला जाएगा तो इस तरह ये तीन आ, अलग अलग पोर्टल सिस्टम्स है ये पोर्टल सिस्टम Then uh, there is uh, uh, there's the renal portal system or a hypophyseal portal system. So, this is all about.